नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपने अपना प्लॉट परचेज किया है और उसके अंदर आप अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको अपने प्लॉट के अंदर पानी की व्यवस्था कहाँ पर किस दिशा में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने प्लॉट के अंदर जो पानी की व्यवस्था करनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सेंटर में करनी चाहिए। आपका प्लॉट चाहे किसी भी दिशा का, चाहे आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, या वेस्ट फेसिंग है, या साउथ फेसिंग है, या आपका प्लॉट डायगनल है, यानी एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है, दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है, तीसरे कॉर्नर में साउथ आता है और चौथे कॉर्नर में वेस्ट आता है, आपके प्लॉट की फेसिंग चाहे कोई भी है, आपको पानी का अंडरग्राउंड टैंक कहाँ पर बनाना चाहिए, बोरवेल कहाँ लगानी चाहिए। पानी का अंडरग्राउंड टैंक बोरवेल आपको नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यानी यहाँ पर आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, बोरवेल लगा सकते हैं, और ऐसे ही आप ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, बोरवेल लगा सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर भी आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक और बोरवेल बना सकते हैं, लगा सकते हैं। आप अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईशान कोने में, यानी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक और ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, ईस्ट की दीवार के साथ भी और नॉर्थ की दीवार के साथ भी पानी का अंडरग्राउंड टैंक या बोरवेल लगाते हैं, तो मेरा अपना यह मानना है कि आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी बिल्डिंग जल्दी करके बन जाएगी और आपको पैसे से भी संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आपका पानी का अंडरग्राउंड टैंक बोरवेल नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाता है, पानी की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, ईस्ट जोन में हो जाती है। तो इसके अलावा आप अपने प्लॉट के अंदर किसी भी दिशा में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं या समर्सिबल लगाते हैं तो आपकी बिल्डिंग पूरी होने में बहुत सारी परेशानी आएगी, समय पे आपकी बिल्डिंग पूरी नहीं होगी और साथ में आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी बोरिंग या पानी का अंडरग्राउंड टैंक किस दिशा में, किस जोन में बना हुआ है। हर एक जोन के अपने अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जो वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस जोन में आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, वो हमेशा ही हर व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। उस घर के अंदर, उस जगह में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा। कुछ साइट ऐसी भी होती है जिसमें पानी का अंडरग्राउंड टैंक बोरवेल नॉर्थ ईस्ट जोन में बना लेते हैं। पानी के अंडरग्राउंड टैंक में कभी भी पानी सड़ना नहीं चाहिए, यानी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि पानी के अंडरग्राउंड टैंक में रुक जाता है तो उसके अंदर कुछ समय में बदबू बन जाती है और उसके कारण आपकी बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आती, कई प्रकार की तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। आपने ध्यान रखना है, जो आपने पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया है उस टैंक की सफाई आपको समय समय पर जरूर करवानी है, ताकि आपकी बिल्डिंग बनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। होता क्या है, जब लेबर काम करती है तो उसके अंदर ईंट, अद्दे, रोड़े, मिट्टी दुनिया भर की उसके अंदर पड़ जाती है और उसको खाली नहीं करते, उसी के अंदर पानी भरते रहते हैं और उसी पानी का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में करते रहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप अपने पानी के टैंक को समय समय पर ज़रूर साफ़ कराएं। जब जब आप पानी के टैंक को साफ़ कराएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके काम बनते चले जाएंगे, आपकी बिल्डिंग में जो भी रुकावट बनी हुई है वो रुकावट दूर हो जाएगी, चाहे वो लेबर की तरफ से है, चाहे फाइनेंस की तरफ से है, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से है, चाहे फैमिली के कारण प्रॉब्लम है। जो बातें मैंने अपनी इस वीडियो में बताई हैं, आप अपना घर बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिल्डिंग समय पर पूरी हो जाएगी और आपका पैसा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा।
मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि आप मेरी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लें। मैंने अपने YouTube चैनल पर 350+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, या आपकी अपनी फैक्ट्री है, या आपका अपना स्कूल है, या आपका अपना कॉलेज है, या आपका अपना हॉस्पिटल है, या आपका अपना फ्लैट है, मैंने इन सभी विषयों पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। अपनी साइट का लेआउट भेजकर उसके ऊपर आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। और आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, वास्तुशास्त्र की और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसे हमारे पिताजी ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी वास्तु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।